हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अश्मिती को फैन फिक्शन डेडली ऑब्सेशन की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जैसे हम लोग देखे थे कि तेवंग को जंगकुक स्लैप मार दिया था। जंगकुक तेवंग के ऊपर शाउट करते हुए कहता है, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया है कि तुम मेरी मॉम को यहाँ पर बुला कर लेकर आते हो? क्या मैं तुम्हें मना नहीं किया था? तुम्हें क्या कुछ भी समझ में नहीं आता है? मुझे क्यों तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाना पड़ेगा? इससे तेवंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इसे देख कर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं? अब इस तरह से बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तेवंग जंगकुक को स्पर करके कहता है, मैं तो सिर्फ मॉम से ही मिला था, क्या इतना भी ज़्यादा मेरे पास सब राइट्स नहीं है? जंगकुक तेवंग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में तेवंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है, मेरी तरफ देख कर बातें करो, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये सब कुछ गलत नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ गलत नहीं है? मैं तुम्हें मना किया था कि तुम नहीं मिलोगे, इसका मतलब तुम नहीं मिलोगे। तुम्हें बार बार मुझे ये सारे रूल्स क्यों समझाना पड़ता है? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि तुम ना तो बाहर जाओगे, ना तो बाहर की कोई भी इंसान अंदर आने वाला है? तेवंग अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, वो तुम्हारा भी मॉम है। जंगकुक गुस्से में तेवंग की हेयर को छोड़ देता है और कहता है, मेरा मॉम है तो फिर क्या हुआ है? फिर भी तुम्हारे साथ मिलने के लिए अलाउ नहीं है, इसे अपनी माइंड में अच्छी तरह से फिक्स कर लो। और जंगकुक किसके साथ डायरेक्ट तेवंग को इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। तेवंग चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। वो अपने आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछ लेता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब नीचे आता है वो डाइनिंग रूम में चला जाता है। तेवंग जंगकुक के लिए डिनर सर्व कर देता है। जंगकुक जब डिनर के लिए बैठता है वो अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम डिनर किए थे? तेवंग सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अपने डिनर को करने लगता है। जंगकुक की जब डिनर करना हो जाता है, तेवंग चुपचाप डिशेस को क्लीन कर रहा था। जंगकुक जाकर तेवंग को पीछे से हग कर लेता है। तेवंग इससे थोड़ा सा भी शॉक नहीं था। तब जंगकुक तेवंग के नेक में अपनी फेस को रफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, ये सारे डिशेस को यहाँ पर ही छोड़ दो। तेवंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक तेवंग को टर्न कर देता है और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए उसे काउंटर पर बैठा देता है। जंगकुक तेवंग की तरफ अपनी लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। तेवंग चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तेवंग की चिन को पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाता है। तेवंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक झुककर तेवंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लिक करता है। उसके लिप्स को अपने टंग से लिक करने लगता है, सक करने लगता है, पर तेवंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसे देखकर जंगकुक तेवंग की लिप्स पर जोर से बाइट करता है, पर फिर भी तेवंग थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक इरिटेटेड हो जाता है और वो तेवंग की लिप्स को छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझे क्यों किस नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हें जबकि किस कर रहा था तब तुम ज़रूर इसके लिए रिस्पॉन्स करना था। ये सुनकर तेवंग जंगकुक को कहता है, मेरा मूड नहीं है तो फिर प्लीज़ मुझे सिर्फ मेरी वर्क करने दो। ये सुनकर जंगकुक तेवंग को गुस्से में कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा मूड नहीं है? जंगकुक तेवंग की वेस्ट कर अपनी हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैप कर लेता है, जिस वजह से तेवंग को अपने वेस्ट में पेन फील होने लगता है। और तेवंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और मुझे तुम्हें क्या रीज़न देना पड़ेगा? ये सुनकर जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुम्हें पसंद आना चाहिए, तुम्हें हजार बार पसंद आना चाहिए, जब मैं तुम्हें थोड़ा सा भी टेस्ट करूँगा तभी तुम्हें पसंद आना चाहिए। इस तरह से मुझे अपने एटीट्यूड मत दिखाओ। यू नो व्हाट, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, वरना तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन अपने पास नहीं रखता, सब लोग तुम्हें यूज करके फेंक देता। इससे तेवंग एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, कम से कम वो लोग मुझे फ्रीडम तो देता, तुम्हारे जैसे यहाँ पर बंदी बनाकर नहीं रखता। जंगकुक तेवंग की बातों को सुनकर फिर से गुस्से में आ जाता है और वो फिर से तेवंग को एक जोर से स्लैप मार देता है।
तंग अपनी फिस्ट को अपने हैंड से पकड़ कर रखता है। अर्जुन को गुस्से में कहता है, तुम डे बाय डे ज़्यादा ही बोलने लगे हो, अपनी माउथ को कंट्रोल में रखो। भूल मत जाओ कि तुम मेरे सामने बातें कर रहे हो। तुम किसके साथ किस तरह से बातें करते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे सामने हमेशा तुम्हें केयरफुल ही बातें करना है। जंगकुक को तंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट था, पर जंगकुक तंग को गुस्से में इस बार वार्निंग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बार बार माफ़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर टाइम तुम्हें इसी तरह से छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ अच्छा बनने की ट्राई कर रहा हूँ, इसी वजह से तुम अब मेरी गोद से डायरेक्ट मेरी सिर पर उठने की ट्राई कर रही हो। सिर्फ अपने लिमिट को अच्छी तरह से जान लो। और इसके साथ तंग को जंगकुक किचन में छोड़कर चला जाता है। तंग चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। तंग चुपचाप काउंटर से उतरते हुए डिशेस को क्लीन करके जल्दी से बेडरूम में चला जाता है। वो बेडरूम में पहुँच कर जल्दी से बाथरूम में जाकर अपनी क्लोथ को चेंज करता है और बेड के कॉर्नर पर जाकर लेट जाता है, जहाँ पर जंगकुक काउच पर बैठकर स्मोक कर रहा था और वो तंग की तरफ ही देख रहा था जो बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तंग क्या उसे नोटिस नहीं कर रहा है? तंग को तो जंगकुक की स्मोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अब तंग जंगकुक को थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दे रहा है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, पर जंगकुक शांत रहता है और कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग बेड पर अकेला ही उठता है। उठने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जाता है, पर नीचे जाकर आसपास देखता है और जंगकुक को ढूंढ नहीं पाता है। इसे देखकर तंग को लगता है कि शायद जंगकुक चला गया है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। उसे अब कम से कम थोड़ा सा शांति से रहने की टाइम मिल सकता है। तंग पूरा दिन अपने घर में ही टाइम को बिताता है। जंगकुक पूरा दिन बिजी था। वो शाम के टाइम पर जल्दी से अपनी कंपनी से निकलता है और जल्दी से अपने पेरेंट्स के घर में चला जाता है। तंग जब डिनर को रेडी कर रहा था, उस टाइम पर डोरबेल बजने लगता है। तंग जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वो देखता है कि जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ था। उसकी गोद में उन लोगों की सन था। इसे देखकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इसे पकड़ने वाले हो या फिर नहीं, या तो मैं फेंक दूँ। ये सुनकर तंग तुरंत ही जंगकुक की गोद से उसकी सन को ले लेता है और अपने मन में कहता है, ये पर्सन इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है। जंगकुक तंग को कुछ भी ना कहते हुए डायरेक्ट उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। तंग को भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने सन को लेकर बिजी हो जाता है। जंगकुक कुछ देर के बाद जब फ्रेश होकर नीचे आता है, वो देखते हैं कि तंग उसकी सन के साथ ज़्यादा ही बिजी था। इसे देखकर जंगकुक पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं इसी वजह से इसे यहाँ पर नहीं रखता हूँ। तुम जाकर मेरे लिए डिनर को सर्व करने वाले हो या फिर नहीं, मैं फिर से इसे वापस करके आओ। तंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है और घबराते हुए कहते, रुको मैं करता हूँ। पर तंग अपने सन को गोद में लेते हुए और जंगकुक को अपने एक हाथ से ही सर्व करने लगता है। जंगकुक किसे देख कर एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। और वो डिनर करने के पहले तंग से फिर से पूछता है, क्या तुम डिनर किए हो? तंग कहते, मैं कर लूँगा, तुम करो। और इसके साथ तंग किचन में चला जाता है। जंगकुक इसे देख कर अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है, इसी वजह से शालिनार रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है। सारे ध्यान अब उस बेबी की तरफ ही जा रहा है, मैं यहाँ पर हूँ या फिर नहीं हूँ, जब देखो सिर्फ उसकी तरफ ही अपनी सारे अटेंशन देता है। जंगकुक डिनर फिनिश करने के बाद चुपचाप लिविंग रूम में जाकर वो अपनी फ़ोन को कॉल करने लगता है। तब तंग जंगकुक के पास आता है और वो जंगकुक के पास अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या मैं मेरी सन को यहाँ पर रख सकता हूँ? जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग अपनी पपी आइस के साथ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब से ये यहाँ पर रुकने वाला है, तुम उसे यहाँ पर रख सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना कि मुझे आकर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो फिर तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई होप कि मुझे तुम्हें सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तंग तुरंत ही हमें अपने सिर लाता है
फिर जंगकुक तंग को अपने कोल्ड वॉइस में खेलता है और कुछ तंग तुरंत ही पूछता है, तो फिर उसे क्या मैं मेरे साथ रख सकता हूँ। जंगकुक तंग की तरफ अपनी डार्क आइस के साथ इस बार देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में खेलता है, बिल्कुल भी नहीं। इससे तंग कहते बट वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो कैसे अकेला रुक पाएगा। इस तरह जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता कि कैसे रुक पाएगा, पर मेरे साथ तो बेड पर नहीं रुकने वाला है। इससे तंग कहता है ठीक है, बेड की साइड पर और एक बेड अटैच कर देता है तो फिर वो उस बेड में रुक पाएगा और मैं और तुम एक बेड पर। जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते हैं मैं उसे यहाँ पर रुकने के लिए दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसे मेरा बेड पर भी आने की परमिशन दूंगा, ऐसे कभी भी मत सोचना, कल इस बारे में मैं बातें करूँगा। ये सुनकर तंग कहते तो फिर वो आज कहाँ पर रुकेगा। जंगकुक तंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है और कहते गेस्ट रूम में रख दो। ये सुनकर तंग कहता है वो कोई सामान नहीं है कि मैं उसे गेस्ट रूम में रख कर आऊँ, वो एक बेबी है, मैं उसे गेस्ट रूम में नहीं रख सकता हूँ। जंगकुक कहता है ठीक है मैं उसे वापस रख कर आता हूँ और जंगकुक का उस पर सूट जाता है। तंग तुरंत ही कहते नो नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और जहाँ पर भी रखो नाइट में तुम मेरे साथ अकेला रुकने वाले हो, इस बात को सिर्फ याद रखो। इससे तंग बहुत ज़्यादा डरने लगता है, वो अब क्या करने वाला है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जंगकुक फिर से जो अपने फ़ोन को कॉल करने में बिजी हो जाता है उसे कॉल आ जाता है जिससे अटेंड करने के लिए जंगकुक जो चला जाता है। तंग जल्दी से अपने रूम में अपनी सनन को लेकर जाता है और उससे लेकर बेड पर लेट जाता है। उसे पता है कि वो सोने के बाद जंगकुक शायद उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस वजह से वो अपने सन के साथ वहाँ पर सो जाता है। जंगकुक कॉल को फिनिश करने के बाद जब अपने बेडरूम में आता है, वो आने के बाद देखता है कि तंग सच में अब उसके सन को लेकर बेड पर लेटा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसकी सन अब उसकी प्लेस को भी लेने की ट्राई कर रहा था, उसकी अटेंशन तो पहले ही ले लिया है, अब उसकी प्लेस को भी लेने की ट्राई कर रहा है। जंगकुक इससे गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है जितना भी ज़्यादा तुम अटेंशन और मेरा प्लेस लेने की ट्राई क्यों ना करो, पर तुम इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे क्योंकि तंग मेरा है, मैं उसके साथ मैरिड हूँ, तो फिर हजार ट्राई करने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। और जंगकुक चुपचाप तंग के पीछे जाकर लेट जाता है। तंग के वॉइस कैन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और पॉजिटिवली उसे अपने पास खींच लेता है। इसके बाद जंगकुक जो तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा कोल था, तंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने शल के साथ हैप्पी था, पर जंगकुक को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तंग के सारे से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पर जंगकुक के सब कुछ इसी वजह से झेल रहा था क्योंकि वो आगे जाकर अब अपने ही सन को यूज़ करने वाला है तंग के अगेंस्ट, ताकि वो तंग को ब्लैकमेल कर सके, तंग यहाँ से भागने की ट्राई ना करे, तंग यहाँ से किसी के सामने जाने की ट्राई ना करे। और जंगकुक इसी वजह से अब अपने शाल को यहाँ पर रखा है ताकि तंग की पूरा टाइम सिर्फ उसके साथ ही बिताने में बिजी हो जाए और तंग ना तो बाहर की किसी को अंदर आने दे या तो अंदर से बाहर भी जाने की ट्राई करें। और जंगकुक की प्लान बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा था। जंगकुक जो आज जबकि ब्रेक पर था, इस वजह से जंगकुक काउस पर बैठकर चुपचाप अपनी फाइल्स को चेक कर रहा था। तंग आकर जंगकुक को कॉफ़ी देता है और पूछता है तुम्हें और कुछ ज़रूरत है। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे तुम्हारे ये टाइम की ज़रूरत है, उसे निकाल सकते हो तो फिर मेरे पास आ जाना। इससे जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है पर मैं बिजी हूँ, मैं नाइट में देखता हूँ। ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, जल्दी से अपने टाइम को निकालो। तंग जो तुरंत ही हाँ कह देता है। फिर जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है मैं जबकि तुम्हारे पास उसे फिर से वापस लेकर आकर दिया हो तो फिर मैं उसे कभी भी तुम्हारे पास से फिर से अलग कर सकता हूँ, तो फिर केयरफुल रहना, मेरी हर एक बात को तुम्हें अच्छी तरह से सुनकर ही चलना पड़ेगा, वरना मैं इसकी अगेंस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक को तुरंत ही तंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारी सारे बातों को सुनकर चलूँगा,
जंगू का अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम्हारे फोन में फिर से उर्जिमिन का मैसेज आया था, किसलिए? तंग घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो फ़ोन को यूज़ भी नहीं किया था। जंगू खून कह देता है। फिर तंग फिर से कहता है, मुझे सच में नहीं पता है, तुम इस तरह से डाउट क्यों कर रहे हो? जंगू तंग को कहता है, मैं क्या कुछ पूछा हूँ, मैं सिर्फ हूँ बोला हूँ, तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारे ये सारे नॉनसेंस बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम है, पर मेरे पास सुनने के टाइम नहीं है, चुपचाप चले जाओ। तंग जंगू के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शौक था, पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर कुछ देर के बाद जंगू फिर से तंग को बुलाता है। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगू तंग को कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर मेरे फ़ोन को लेकर आओ, देखो रूम की छत नाइट स्टैंड के ऊपर होगा। यह सुनकर तंग तुरंत ही हाँ कह देता है और वो जल्दी से जंगू की फ़ोन लेने के लिए चला जाता है। और जब जंगू की फ़ोन को उठाता है तब वो जंगू की फ़ोन लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है, पर उसके हाथ में जब था उस टाइम पर एक मैसेज आता है जिससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो ऐसे तो देखना तो नहीं चाहता था, पर तंग एक बार देखता है जहाँ पर कोई उसे मैसेज किया था, तुम अगर आज रात में फ्री हो गए तो फिर ज़रूर मेरे साथ मिलने के लिए आना, बेबी तुम्हें मिस कर रहा है। इसे देखकर उसकी हार्ट बीट रुक जाता है, उसे सेस में पेन फील होने लगता है। पर तंग उसके बाद सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जंगू तो आज फ्री है तो फिर वो तो बाहर तो जाने ही नहीं वाला है, तो फिर ज़रूर ये कोई प्रैंक ही होगा और उसके साथ ये नंबर तो सेव भी नहीं है, एकदम न्यू लग रहा है। तो फिर तंग पूरी तरह से श्योर था कि ज़रूर ये कोई अननोन नंबर में मैसेज कर दिया है, इसी वजह से जंगू के पास आ गया है। और फिर तंग चुपचाप जाकर जंगू को उसकी फ़ोन वापस कर देता है और कुछ भी ना कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शाम के टाइम पर जंगू सब रेडी हो रहा था, इसे देखकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम कहीं पर जा रहे हो? जंगू अपनी कॉल वॉइस में क्या, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? तुम को उस मैसेज के बारे में याद आता है और वो जंगू को तुरंत ही कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, आज तुम मेरे साथ रुकने वाले हो। यह सुनकर जंगू का अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास रुकने की कोई भी रीज़न नहीं है, तो फिर बेहूदा बातें करना बंद करो और चुपचाप साइड हट जाओ। और तंग को जंगू जब साइड करके जाने वाला था, तंग पीछे से जंगू की हैंड को पकड़ लेता है और कहते, क्या तुम उस गर्ल के साथ मिलने के लिए जा रहे हो जो तुम्हें मैसेज किया था? जंगू के सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। वो तंग की हैंड को अपने हैंड से छुटा लेता है और कहते, तुम मेरे ऊपर अपनी नज़र को रख रहे हो, तुम मेरे फ़ोन को चेक किए थे, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत किसने दिया है? जंगू तंग की तरफ गुस्से से देखता है। तंग जंगू से फिर से पूछता है, तो फिर तुम क्या मुझे चीट कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे बताओ कि क्या कमी है? इससे जंगू गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, हर तरह से कमी है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। और इसके साथ जंगू जाने वाला था, पर तंग आकर जंगू की हैंड को पकड़ लेता है फिर से और कहते, तुम नहीं जाओगे, तुम कब से उसके पीछे पड़े हुए हो, कब से तुम मुझे चीट कर रहे हो? जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तंग की सारे बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तंग को ज़ोर से स्लैप मार देता है पीछे की तरफ टर्न होकर। तंग फ्लोर पर गिर जाता है और जंगू की तरफ देखता है, उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। तंग अपनी फेस को पकड़ते हुए जंगू को हिस्की उठाते हुए कहते, तो फिर मैं सही था, तुम मुझे सच में चीट कर रहे हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम क्या इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि अब मेरे सन मेरे साथ है? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? क्या कोई भी अपने शाली के साथ नहीं रह सकता है? तुम इस वजह से मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? जंगू तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। तंग फ्लोर पर बैठे बैठे रोने लगता है। जंगू अपनी कार को लेकर डायरेक्ट मेंशन से बाहर चला जाता है। तंग इस पर करके कहता है, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम तो हमेशा मेरे लिए क्रेजी थे, अचानक से तुम्हारी क्रेजी बिहेवियर कैसे ख़त्म हो सकता है, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर?
तुम क्या मुझे लॉन्ग टाइम से चीट कर रहे हो, जिसे मैं जान ही नहीं पाया था? क्या तुम सच में ऐसा कर रहे थे? तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे नाम सकते हो? तुम मुझे लॉक करके तुम बाहर चीट कर रहे थे? तुम क्या इसी वजह से मुझे लॉक करके रखते थे ताकि मुझे कभी भी तुम्हारी चीट के बारे में पता नहीं लगेगा? तुम कैसे इतना ज़्यादा क्रूर बन सकते हो? तुम ये सब कुछ कहकर रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जब जा रहा था, तब वो अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से सब कुछ क्लियर करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस गार्ड तुरंत यहाँ कह देता है और कहते हैं, बॉस 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। जंगकुक हूँ कह देता है। तब गार्ड फिर से कहता है, सर आई थिंक आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, न कि तुम मेरा बॉस हो। तो फिर अपनी माउथ को जितना ज़्यादा लॉक करके रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे तुरंत ही गार्ड कहता है, सर मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर यंग मास्टर को इस बारे में पता लगा तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा। जंगकुक गुस्से से कॉल को कट कर देता है और इस पर करके कहता है, अब गार्ड्स भी ये सोचने लगा है जैसे वो लोग ही बॉस है। और जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।